Hello students, let's see this question. The question says in which of the following pairs both properties are intensive. आपको चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर ऐसा पेयर प्रेजेंट है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैरी करता है. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि अगर आपने मास को डिवाइड भी कर दिया तो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी विल रिमेन एज इट इज. वेयर एज दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंड करती है, यानी कि आपने मास डिवाइड कर दिया तो उनका वो प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जाएंगी. सो पहले ऑप्शन में लिखा है इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एंड टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. सो ये ऑप्शन गलत है. डेंसिटी एंड वॉल्यूम. सो डेंसिटी आपकी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एंड वॉल्यूम आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. सो ये ऑप्शन भी गलत है. टेम्परेचर आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और डेंसिटी भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये ऑप्शन सही है. प्रेशर आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बट वॉल्यूम आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. सो डी ऑप्शन भी गलत है. ओनली सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.